स्टूडेंट्स वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल आई एम आर के वर्मा आप और मैथ टीचर टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.4। देखिए क्वेश्चन इसके पहले हम 5 तक का सॉल्यूशन आपको आज के सुबह के वीडियो में दे चुके हैं। क्वेश्चन 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, कोई डाउट होगा तो। क्वेश्चन 7 से देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सिमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। देखिए इसमें कह रहा है कि जो मून है जो छोटा है उसका जो डायमीटर समझते हो, सेंटर से जो जाता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो मून छोटा है उसका डायमीटर, अर्थ बड़ा है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मींस 1/4 है। अब इसका उल्टा भी कह सकते हो कि अर्थ बड़ा है, अर्थ का डायमीटर, मून छोटा है उसके, मून के डायमीटर का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, बात एक ही है। तो अगर हम मून का डायमीटर स्मॉल डी ले लें, मून का छोटा है, तो अर्थ का 4 गुना हो जाएगा, मीन्स उसका डायमीटर 4d हो जाएगा। ये बात समझ में आपके आ रही होगी, तो वही देखिए इसमें। According to question, diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. तो diameter जो अर्थ का है उस मून का 4 गुना हो जाएगा, या मून का diameter अर्थ का 1/4 माने 1/4 हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा, बात एक ही है। तो लेट डायमीटर ऑफ मून इज डी, हमने डायमीटर ले लिया मून का, डी ले लिया, सो डायमीटर ऑफ अर्थ विल बी 4d। 4d समझ में आ गया होगा, 4 गुना हो जाएगा, अर्थ का बड़ा है ना, उसका मून का 4 गुना डायमीटर दिया हो जाएगा। देयरफॉर रेडियस ऑफ मून r1 = d/2। अब जैसे रेडियस जो होता है उसका 2 टाइम करोगे तभी तो डायमीटर मिलेगा, तो मून के लिए इस जो रेडियस बनेगा r1 मैंने ले लिया है, वो डी जो उसका डायमीटर उसका 1/2 d/2 हो जाएगा, ओके। एंड रेडियस ऑफ अर्थ r2 = 4d। 4d डायमीटर मून उसका, अर्थ बड़ा है तो 4d है, तो उसका 1/2 कर दो, तो रेडियस अर्थ का हो जाएगा r2 = 4d/2, मीन्स 2d हो जाएगा। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ मून, अब मून का जो सरफेस एरिया मैंने बताया था, सरफेस एरिया कहिए या लेटरल सरफेस एरिया कहिए या कर्व सरफेस एरिया कहिए या टोटल सरफेस एरिया कहिए, मून जो है स्फीयर के फॉर्म में है, रूप शेप में है, तो वही बनेगा सेम 4πr2। चारों में से कुछ भी कहिए कि इसमें चारों इक्वल होते हैं, सेम चीज़ें होती हैं, क्या क्या, सरफेस एरिया वही होगा, कर्व सरफेस एरिया वो भी वही चीज़ है, टोटल सरफेस एरिया वो भी वही चीज़ है, लेटरल सरफेस एरिया वो भी वही चीज़ है, तो अर्थ स्फीयर के लिए चारों एक ही चीज़ें होती हैं, अब चारों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ देखिए रेडियस ऑफ अर्थ r2 = 2d हमने फाइंड कर लिया, सो सरफेस एरिया ऑफ मून s1 = 4πr1² एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ s2 = 4πr2², ओके। सो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज s1/s2, रेशियो मीन्स हम डिवाइड कर देंगे, तो 4πr1² / 4πr2² 4π कैंसिल हो गया, r1² / r2², r1 कितना है d/2 का होल स्क्वायर हो गया, और r2 कितना है 2d का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करेंगे, d² / 4 हो गया, 4d² हो गया, d² कैंसिल हुआ, 1/16 हो गया,
सो एस वन रेशियो एस टू हो गया 1:16, समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखिए ये जो आपका ये एक गोला है, कोई स्फेयर है, होलो है, खोखला है, अंदर से आप खाली है ये, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए तो इस तरीके से ये मिलेगा आपको, ये ऐसे मिलेगा। तो अंदर का ये कर्व सरफेस एरिया होगा और ये बाहर का बनेगा। ये जो बाउल है उसकी दीवार 0.25 सेंटीमीटर मीन्स 0.25 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है दीवार की, ये मोटाई है। तो अंदर यहाँ देखिए ये सर्किल के शेप में होगा ना, ये इसका ये जैसे हैश कट करोगे ऐसे बनेगा सर्कुलर टाइप में। तो उसका सेंटर होगा यहाँ बीच में जहाँ मेरी उंगली दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से अंदर का रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं और इसकी थिकनेस जैसे इसका जो वाल है दीवाल है ये 0.25 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। तो बाहर का रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर। अब स्मॉल आर में इतना आपको ऐड करना पड़ेगा दीवाल की मोटाई, तो आपको बाहर का रेडियस कैपिटल आर मिल जाएगा। तो कैपिटल आर कितना बनेगा, ये बनेगा स्मॉल आर अंदर का रेडियस प्लस इसकी जो मोटाई है 0.25, ऐड कर लोगे तो बाहर का रेडियस टोटल आपको पूरी उसकी लेंथ मिल जाएगी। ओके, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इनर रेडियस ऑफ बाउल स्मॉल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अंदर का जो स्मॉल आर है, एंड थिकनेस ऑफ स्टील जो उसकी बॉडी स्टील की बनी हुई है उसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस ऑफ द बाउल कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 0.25 एड हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्मॉल आर, देखिए ये अंदर का सरफेस है, ये बाहर का है, इसकी मोटाई है दीवार की 0.25 सेंटीमीटर, अंदर का रेडियस स्मॉल आर है, तो बाहर का रेडियस जो बनेगा स्मॉल आर में दीवार की मोटाई, इसको हमको जोड़ना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया आउटर का, आउटर जो रेडियस बनेगा बाउल का वो कैपिटल आर होगा 5 प्लस 0.25 मींस 5.25 सेंटीमीटर। सो आउटर कर्व सरफेस एरिया, जब आउटर का लोगे तो बाहर का रेडियस कैपिटल आर हमको लेना होगा, ये बनेगा 4π कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल आर, पाई वैल्यू 22/7 रख देंगे एंड कैपिटल आर मींस 5.25 × 5.25, 7 से 5.25 कैंसिल करोगे 0.75 और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमको मिलेगा कर्व सरफेस एरिया ये बाहर का होगा, ये हमको फाइंड करना था। अभी इसमें ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन पाएगा, आज का ये तीसरा वीडियो है, छोटा छोटा हम दे रहे हैं, इसको आप एक तरफ से अपने उसमें सेट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और नेक्स्ट का नेक्स्ट सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो देंगे। थैंक यू।